इकडे बघा मॅडम 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 थोडंसं असं या बाजूला फिरतो काशाजी थोडं आपला लेफ्ट नाही आहे चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अंधेरी चा राजा में आई हूँ और जब भी गणपति जी को देखती हूँ बड़ी पुत्र वाली फीलिंग आती है क्योंकि इतने सालों तक पार्वती करने के बाद गणपति जी से एक स्पेशल अटैचमेंट है और एक अपनापन भी लगता है, लगता है अपने किसी से बात कर रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं घर गई हुई थी अपने इंदौर के गणपति के दर्शन करने, पर मैं आखिरी दिन आई क्योंकि मुझे बप्पा से तो मिलना ही था और बहुत खुश हूँ मैं यहाँ के। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बप्पा के पास। ये जगह आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं यहाँ पे, दर्शन बहुत आराम से हो जाता है, आराम से आरती हो गई, लगा ही नहीं कि आप आखिरी दिन में आए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, अंधेरी चा राजा है और मन में रह जाता अगर आज यहाँ नहीं आ पाती। मुझे लग रहा था शायद कल मुंबई आऊँगी, बट मैं आज आ गई और बप्पा के दर्शन कर लिए, मैं बहुत खुश हूँ। साल तो काफी अच्छा चल रहा है आपका। जी 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 इस साल मुझे लगता है बप्पा का आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला है और ये साल बहुत अच्छा है और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें लाइन अप है। तो मैं चाहती थी बप्पा का एक अच्छा सा आशीर्वाद ले लूं और मूषक जी को भी मैंने अपनी सारी विशेष बता दी है, तो आई होप बस पप्पा ऐसे ही आशीर्वाद रखे मुझ पर। वो सिर्फ मूषक जी को पता है जो मेरी विशेष है, उनके कान में छुपके बोली है मैंने। आने वाले समय में क्या कुछ रियलिटी शोज की तरफ रुख कर सकती हूँ? अभी हाल ही में जी अभी एक रियलिटी शो जीत के काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। मुझे लगता था शुरू से कि शायद मैं रियलिटी शो मटीरियल नहीं हूँ एंड पार्वती और शोज और एक्टिंग के लिए ठीक हूँ, बट जब एक रियलिटी शो किया मुझे लगता है आई थिंक आई एम अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ रियलिटी शो, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अब मैं। कोई भी शो हो, रियलिटी हो या कुछ भी हो, आई कैन गिव माय ऑल। जी जी बिग बॉस तो हमेशा मेरा फेवरेट शो रहा, एक स्पेशल अटैचमेंट है मेरी लाइफ के, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिग बॉस की वजह से ले पाई हूँ मैं, तो बिग बॉस से एक अटैचमेंट है और अभी आगे देखिए क्या होता है। इसके अलावा कोई गाना एनी अपकमिंग? जी गाना और ऐसा कुछ जो आप लोग बहुत साथ में हम लोगों को देखना चाहते थे, हिंट मैंने दे दी है तो आप लोग साथ में देखेंगे और कुछ बहुत ही बड़ा शूट कर रही हूँ, कुछ बहुत बड़ा शूट कर रही हूँ इस मंथ, तो पप्पा का आशीर्वाद तो है। एंड गाने लकीली मेरे 100 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं, इस बार मैं चाहती हूँ 500 मिलियन क्रॉस हो जाए। थैंक यू सो मच गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। Yeah. Very nice.